चैलेंजेस मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू चैलेंजेस एकेडमी वंस अगेन। स्टूडेंट, आज हम लोग हमारे मैथमेटिक्स सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आपको सबको पता है, आप लोगों ने सिलेबस देखा रहेगा। आपके मैथमेटिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है लॉजिक। बहुत आसान है, एकदम इजी। सबसे मैं बोलता हूँ पूरे सिलेबस में मैथमेटिक्स में कुछ इजी होगा तो शायद लॉजिक के अलावा कुछ और नहीं होता। हाँ, भले ये हमें समझने में आसानी हो, क्वेश्चन के आंसर देने में आसानी हो, बस इस चैप्टर के जो एप्लीकेशन है बहुत सारे, और आज के जनरेशन में ना इस चैप्टर के जो एप्लीकेशन है उनको कई जगह पे यूज किया जाता है, मल्टीपल जगह पे यूज किया जाता है। सो गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। चलो लॉजिक के ऊपर आ जाते हैं गाइस। पहले मैं इस चैप्टर के बारे में बताना चाहूंगा आपको, लॉजिक क्या होता है। एक्चुअली ये लॉजिक वर्ड ना एक ग्रीक वर्ड था लोगोस करके, उस वर्ड से ये लॉजिक करके आया। लोगोस का मतलब रीजन होता है, लोगोस मींस व्हाट गाइस, रीजन। ये वर्ड आया कहां से गाइस? इसे हम लोग बोलते हैं लोगोस, और इसका मतलब होता है रीजन। भाई रीजन की है, रीजन यानी क्या, अगर कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है भाई, मेरे को उस चीज का रीजन बताओ। ओके, अगर ये चीज ऐसी है तो ऐसी क्यों है भाई, उसका रीजन बताओ। मतलब कोई भी लॉजिकल चीज आती है ना, जहां पे भी वहां पे हम लोग लॉजिक अप्लाई करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर पर्सन कुछ आपको बता रहा है, कुछ आपको पूछ रहा है, कोई सेंटेंस को फ्रेम कर रहा है, तो सेंटेंस को हम किस तरह समझते हैं। सेंटेंस को समझने के बाद हमें सोचना पड़ता है कि वो बंदा जो सेंटेंस बोला है, वो जो बात बोल रहा है, क्या ये सच है या झूठ है। अगर हम लोग उसको प्री डिफाइन कर पाए, हम लोग उसको डिफाइन कर पाए कि नहीं भाई ये बात तो बोल रहे हैं तो सच है भाई, अगर वो बात है झूठी, मतलब हम लोग जिस सेंटेंस को सच है झूठ बता सकते हो, यानी ट्रू या फॉल्स बता सकते हो, उन सेंटेंसेस को हम लोग स्टेटमेंट करके बोले जाते हैं। आतो में स्टेटमेंट वगैरह के बारे में बात करता हूं आपको। पहले लॉजिक समझा आपको, लॉजिक आया कहां से, ग्रीक वर्ड है लोगोस करके, जिसका मतलब होता है रीजन, वहां से चैप्टर का नाम आया लॉजिक। और सोच रहे हो सर ये लोग को मैथमेटिक्स में क्यों आया, इतने एप्लीकेशंस हैं इसके, मैं इसके कुछ रफ एप्लीकेशंस आपको बताना चाहता हूं गाइस। ये लॉजिक इसलिए जरूरी है कि ताकि हमारी जो रीजनिंग एबिलिटी होती है, एक सिस्टमैटिक एबिलिटी जो होती है, उसे इंक्रीज करना, उसे बढ़ाने के लिए हम लोग इस चैप्टर का यूज करते हैं। एबिलिटी बढ़ना, किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम में फंसने के बाद उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना, ये जो एबिलिटी है कैसे इंक्रीज होगी, सो बाय नोइंग दिस चैप्टर कॉल्ड एज लॉजिक। आज के जनरेशन में हमारे घर में कई सारे स्विच वगैरह, सर्किट वगैरह लगते हैं, तो सर्किट डिजाइनिंग में लॉजिक लगता है। अरे सर्किट डिजाइनिंग में छोड़ो यार, आजकल के जनरेशन तो रोबोट्स वगैरह पे मूव है, तो इफ यू मूव इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उसमें तो भाई लॉजिक का तो इतना यूज होता है कि विदाउट लॉजिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर स्टेप में वहां पे किसी ना रीजन का हम लोग को सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है। इवन हमारे कंप्यूटर्स की जो प्रोग्रामिंग होती है, सी प्रोग्रामिंग वगैरह, इन प्रोग्राम्स में भाई कब क्या होगा, लाइट मेरा बल्ब है वो ब्लिंक होगा, बंद होगा तो कब कैसे क्या होगा, भाई सब जगह पे लॉजिक ही है, वन जीरो की बात है, सब वन मतलब ट्रूथ, जीरो मतलब फॉल्स, समझेगा जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे। तो देयर आर सो मेनी मल्टीपल एप्लीकेशन, सर्किट डिजाइनिंग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, प्रोग्रामिंग्स में हम लोग को याद होता है, हमारी एबिलिटी बढ़ाती है सोचने की भाई, रीजंस की एबिलिटी बढ़ाती है, देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशन। बट अगर हमें ये चैप्टर समझना है ना, तो हम लोग को कुछ थोड़ा सा इंग्लिश समझना पड़ेगा। भाई जो बचपन से आप लोग अभी तक पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, उनके बारे में हम लोग डील करते हैं। ओके, तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक कॉल्ड एज लॉजिक। हम लोग अभी इस पार्ट में ना सिर्फ ग्रामर पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर। मान लो ऐसा समझो कि यार मेरे को चैप्टर स्टार्ट ही नहीं होगा, मेरे को सिर्फ क्या पढ़ना है, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ना है। तो ग्रामर में हम लोग सिर्फ सेंटेंस के बारे में समझेंगे गाइस। बेसिकली देयर आर फाइव टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंस और स्टेटमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है सर? पेशेंस आएगा, मतलब आपको समझेगा गाइस। सो लेट्स डील विद द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, कितने फाइव गाइस, कौन से फाइव होते हैं स्टेटमेंट सेंटेंसेस समझ लेते हैं गाइस। फर्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव, और वी कैन से एसरेटिव सेंटेंस। ये क्या चीज है? सेकेंड टाइम हम लोग को समझना है गाइस, दैट इज इंट्रोगेटिव। भाई होता है ना इंट्रो लेते ना, भाई तूने चोरी की है, अगर चोरी की है तो पुलिस तेरा क्या लेती है, इंट्रो लेती है, मना लेती है, बोल तारी। ओके गाइस, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछेंगे तो इंट्रोगेटिव होता है भाई। थर्ड वन,
फिलहाल मैं इसमें चार आपको बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस. एंड द लास्ट वन जो सबका फेवरेट होता है, एक्सक्लेमेटरी. सबका फेवरेट क्यों सर? अरे हाँ भाई, रिएक्शन. आजकल की जनरेशन में इमोशंस, रिएक्शंस तो देखने को, फोटो अगर फोटो निकालने में देर आर सो मेनी मल्टीपल, बहुत सारे हम लोग पोज देते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी में वही चीज आने वाले हम लोग को, ओ वाओ, फैंटास्टिक, देर आर बहुत सारी चीजें आएंगी. ठीक है, चलते हैं. हम लोग इन चार को समझेंगे. सर आपने पांच बोला था ना भाई, फिफ्थ भी आने वाला है. ओपन सेंटेंस करके नाम है फिफ्थ टाइप, जिसको मैं अलग से थोड़ा सा बताऊंगा. फिर आपको ओपन सेंटेंस और बनता डिक्लेरेटिव और डेसरेटिव सेंटेंस, इनमें क्या रिलेशन है मैं बेसिक चीज क्या बताऊंगा. गाइस, डिक्लेरेटिव यानी एसरेटिव का मतलब क्या होता है? कोई चीज डिक्लेयर हो रही है, वो चीज आपको पता चल रही है, इट टेल्स यू समथिंग गाइस. इसलिए हम लोग इस सेंटेंस को बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस. मतलब कोई पूछा सर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इट टेल्स अस समथिंग गाइस. कुछ भी होगा, इट कैन बी एनीथिंग, इट टेल्स अस समथिंग. इसे हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस. बोलते हैं ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी संदीप की बात करें, संदीप क्या कर रहा है घर पे, भाई पबजी खेल रहा है, तो संदीप इज प्लेइंग पबजी, फुल स्टॉप दे दिया मैंने, मतलब सेंटेंस बन गया. ये क्या बता रहा है आपको, भाई संदीप दिन भर पबजी खेल रहा है, मतलब क्या कर रहा है, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ. सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर नोन एज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अगर मैं बोलूं कि भाई हमारा मंदीप क्या कर रहा है, दिन भर पढ़ाई कर रहा है, दिन भर पढ़ रहा है, वर्क कर रहा है कुछ ना कुछ, सो आई कैन से मंदीप इज वर्किंग द होल डे. मतलब वो सेंटेंस क्या कर रहा है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा है. एंड इसीलिए हम लोग इस सेंटेंसेस को जो भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते, वी टेल्स समथिंग, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एज अ declarative यानी assertive sentences. So can we see tells us something. और इसे हम लोग ना कभी भी sentence होने के बाद ना हमारे जो भी होता है full stop देते. Interrogative में हम लोग कोई करते normally interrogative आपको पता ही रहेगा. Interrogate करने के बाद भाई क्यों तू आ भी क्यों गया, तो question marks आता है. Okay, question marks के साथ हम लोग आएंगे interrogative के ऊपर. Declarative समझे guys, it tells us something. Example के बारे में बात करें तो अपना संदीप का example सबसे best है. संदीप इज प्लेइंग पबजी, डिक्लेयर हो गया, मतलब इट्स माय डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो मैं एग्जांपल से बता रहा हूं. संदीप इज प्लेइंग पबजी, भाई यार ये संदीप पबजी खेल रहा है, तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस क्या बता रहा है आपको, क्या वो खेल रहा है, आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही, संदीप खेल रहा है, मतलब क्या, अगर वो खेल रहा है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कि सच में खेल रहा है, मतलब ट्रू होगी. शायद ऐसा हो खेल नहीं रहा होगा वो, तो मतलब वो सेंटेंस गलत है. मतलब क्या मैं उसको फॉल्स बोल सकता हूँ, जरूरी थोड़ी कि अभी खेल ही रहा होगा वो बंदा जो खेल रहा है, संदीप जो गेम खेल रहा है वो खेल रहा होगा. तो भाई बाबा तूने जो सेंटेंस बनाया, ये जो सेंटेंस है वो सच है, यानी कैन सी इट्स अ ट्रू. अगर वो सेंटेंस संदीप इज प्लेइंग पबजी, बट मैं देख रहा संदीप पबजी नहीं खेल रहा, मतलब वो सेंटेंस क्या है, wrong है, we can say the false statement है. मतलब हम लोग particular sentence को truth value निकाल पा रहे, उस sentence की सच्चाई बता पा रहे कि वो सच है या झूठ है, वो true है या false है. मतलब any कोई भी sentence जिसके आप truth value निकाल सकते हो और जो fix रहती, उन sentence को हम लोग बोलते हैं declarative sentence. हम लोग declare कर पा रहे, मतलब कहना है सेम, इन sentence की truth value exist होती है. ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, एग्जिस्ट होती है. सिर्फ ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, ट्रूथ वैल्यू मतलब वो सेंटेंस क्या सच है या झूठ है, इसके बारे में. ट्रूथ वैल्यू दो तरह की होती है, ट्रूथ वैल्यू एक तो सच होगी एंड वी कैन से इट्स अ ट्रू, और ट्रूथ वैल्यू झूठ हो सकती है, फॉल्स. संदीप पबजी खेल रहा है, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, ट्रू ही रहने वाला, इसमें कोई डाउट नहीं. मेनी टाइम्स इन दिस चैप्टर ना गाइस, ट्रूथ वैल्यू को हम लोग वन से भी डिनोट करेंगे, फॉल्स को हम लोग कभी कभी जीरो भी डिनोट करेंगे. इसको शॉर्टकट में, दुनिया शॉर्टकट पे चलती है, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में टी बोलते हैं. फॉल्स रहेगा तो हम लोग चुपचाप एफ लिख देंगे उस ट्रूथ वैल्यू. अगर मैं पूछा आपको ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे एफ है, एफ यानी फॉल्स रहेगी. अब एक चीज देखो स्टूडेंट, ये जो हम लोगों ने पार्ट पढ़ा, ये पार्ट में आप कोई भी जो एग्जाम्पल ले रहे हो, कोई भी जो सेंटेंस बोल रहे हो, आप उस सेंटेंस की क्या निकल पा रहे हो, ट्रूथ वैल्यू निकल पा रहे हो. तो सेंटेंस जिसका भी ट्रूथ वैल्यू निकल सकता है, उन सेंटेंसेस को बोला जाता है स्टेटमेंट. क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्टेटमेंट. तो वेरी इंपॉर्टेंट,
स्टेटमेंट। अरे भाई इसी के ऊपर तो कुंडली है सर पूरे चैप्टर की, स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं, इट्स माय स्टेटमेंट। जो भी सेंटेंस है, अब ये सेंटेंस नहीं, ये सेंटेंस स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं इसकी ट्रूथ वैल्यू बता सकता हूँ कि ट्रू या फॉल्स है, फिक्स रहेगी। एक तो ट्रू रहेगी नहीं तो फॉल्स रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई मेरे लिए वो ट्रू रहेगी किसी और के लिए फॉल्स रहेगी, मतलब पर्सन टू पर्सन अगर वैल्यू होगा तो सेंटेंस में असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, वो डिक्लेयर ही नहीं कर पा रहा हूं उसके बारे में कि वो सही है कि झूठ है, मतलब वो डिक्लेरेटिव नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं किसी सेंटेंस को मैं आपको बोल रहा हूं और उसकी ट्रूथ वैल्यू बता सक रहे हो कि वो भी ट्रू है या उसकी फॉल्स है, फिक्स एक ही बता पा रहे हो दोनों में से, तो उस सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट करके बोलते हैं। और स्टेटमेंट का ही ट्रूथ वैल्यू निकलता है, स्टेटमेंट के अलावा कोई नहीं रहता जिसका ट्रूथ वैल्यू निकलेगा। गाइस समझ गए सबको इंपरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के बारे में, कुछ एग्जांपल्स के साथ बन देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर इज अ सिंगर, भाई बताओ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को, क्यूट एंड सिंपल। एक एग्जांपल की बात करो, बताओ भाई ये सेंटेंस की स्टेटमेंट है। सर ये तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, कैसे समझा? सचिन तेंदुलकर सिंगर है कि नहीं, मैं इसकी ट्रूथ वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, क्या इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू या फॉल्स? भाई इंडिया का गली गली का इंडिया छोड़े यार, मुझे तो लगता है दुनिया के हर एक गली गली का बच्चा भी जानता है भाई सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छा बैट्समैन है। तो गाइस इट्स नॉट सिंगर, वो सिंगर नहीं वो क्रिकेटर है, मतलब तुम बता सकते हो ये सेंटेंस क्या है गलत है। अगर सेंटेंस तुम गलत बता पा रहे हो मतलब ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस रही से क्या मैं बोल सकता हूँ, स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, मतलब कहने से सचिन तेंदुलकर इज अ सिंगर ये मेरा स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू इट्स माय स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, कोई पूछेगा ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स। कैसे समझा भाई, झूठ है ना वो, थोड़ी क्रिकेट वो थोड़ी सिंगर है वो, तो क्या कहता है क्रिकेट खेलता है। ऐसा मल्टीपल एग्जांपल्स देते हैं और देखो मैं कोई एक से एग्जांपल, ठीक है चलो ये साल का ये समझा गया। अरे ये बहुत काम आने वाला है ये तो, चलो ठीक है ये तो आपको समझ जाओगे आप लोग क्या, बट हम लोग जिसे भी जिस स्टेटमेंट जब भी आता है ना तो उसके ट्रूथ वैल्यू निकालना पूरे एक्सरसाइज दूसरी पे पड़ी जो भी मुझे लगता है आगे एक्सरसाइज रहेंगे ना इसी के ऊपर आने वाले। चलते गाइस सेकंड वाले टाइप पे, सेंटेंस के सेकंड टाइप का क्या मतलब होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रो करना भाई, अगर मुझे अगर मुझे डिक्लेरेटिव कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा है टेल्स अस समथिंग, तो इंट्रोगेटिव तेरे को क्या कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, सो कहने से मैं इसको बोल सकता हूं इट आस्क यू समथिंग, इट आस्क अस समथिंग, मैं बोल सकता हूं मैंने कुछ तो पूछ रहा है, मेरे को कुछ ना कुछ तो पूछ रहा है। अभी एग्जांपल से सब डील करते हैं, मजा आया। ओके मान लो क्वेश्चन पूछता हूं मैं सब लोगों को, हु आर यू, बोल सकता है ना तो भाई मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय, मतलब क्या कर रहा है तू, क्वेश्चन पूछ रहा हो, हु आर यू, ये तेरा एक क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा, ये क्या रहेगा, सेंटेंस बनेगा। हाउ आर यू, तू कैसा है भाई, जिसे भी क्वेश्चन व्हाई हु व्हाट जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और रिमेंबर वन थिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी स्टेटमेंट नहीं होती, उनकी ट्रूथ वैल्यू निकाल नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन है यार, थोड़ी डिक्लेयर हो रहा है क्वेश्चन है, उसका तो हम लोग को सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट क्या होते हैं, जिनका तू सच्चाई बता सकता है कि ट्रूथ वैल्यू बता सकता है। सो गाइस रिमेंबर वन थिंग, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहते उनकी वी कैन फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दैट क्वेश्चन, उसके हम लोग कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं निकाल पाते, यानी वो स्टेटमेंट नहीं रहते, इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते। ओके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट, कुछ एग्जांपल दे क्या हो, देखो अगर मैं पूछता हूं आजकल पूरी दुनिया मतलब आप हमारी जनरेशन जिसके ऊपर काम कर रही थी कौन सा दिन भर क्या कर रहा था संदीप, टिकटॉकिंग कर रहा था ना। सो गाइस टिकटॉक क्या है, बैन हुआ है ना, सो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं व्हाई टिकटॉक इज बैन, क्या है टिकटॉक इज बैन,
भाई बात तो बता मेरे को, ये तो क्वेश्चन है ना, पूछा है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन है तो तू उसका ट्रुथ वैल्यू थोड़ी बता सकता है। अगर ट्रुथ वैल्यू नहीं बता पाया मतलब स्टेटमेंट नहीं है, ये जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट नहीं है। इंट्रो क्वेश्चन आया और जैसे ये ना फुल स्टॉप से मतलब इनको बाद में फुल स्टॉप लगता है ना, देखो जरा यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में क्या एंड में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क आता है। कोई बात नहीं भाई, मैंने जिसके भी पीछे क्वेश्चन मार्क आया भाई वो स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट नहीं तो उसका ट्रुथ है तू निकल नहीं सकता। चलते हैं आगे हमारे इंपेरेटिव टेंस, आ जाओ क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, आ जाओ गाइस। इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, किसी को मैं एडवाइस कर रहा हूं, किसी को मैं सजेशन दे रहा हूं, किसी को मैं वार्निंग दे रहा हूं संभाल के रहना भाई, किसी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी को मैं ऑर्डर दे रहा हूं, किसी की मैं ख्वाहिश मतलब किसी विश बोलो कैसे विश एडवाइस देना, सजेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट वार्निंग विश बाय, जिन सेंटेंसेस में ये चीजें दिखेगी ना आपको समझ जाना ये क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्यों इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस रहते हैं जिसके आप ट्रुथ वैल्यू निकाल नहीं सकते। देख एग्जांपल के साथ देखते समझ में आएगा। अगर मान लो हमारे क्लास में तो सबको पता है संदीप एक ही ऐसा लड़का जो कभी पेन नहीं रहता, इसको उसका लेते रहता है। मान लो संदीप किसी को रिक्वेस्ट करा, मान लो संदीप ने मनदीप को रिक्वेस्ट किया प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी पेन एंड पेंसिल भाई, दैट इज सेंटेंस है प्लीज गिव मी पेन एंड पेंसिल। आपको इस सेंटेंस में पढ़ के समझ आ रहा है वो क्या कर रहा है, संदीप मनदीप के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे एक पेन और एक पेंसिल दे, और मतलब इसमें रिक्वेस्ट है। अच्छा तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा, क्या निकाल सकते हैं कि हम लोग इसका ट्रुथ वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसकी मर्जी है वो ट्रुथ वैल्यू हो ही नहीं सकता। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस का ट्रुथ वैल्यू नहीं निकल सकता, और जिनका ट्रुथ वैल्यू नहीं निकल सकते क्या वो स्टेटमेंट रहते हैं क्या? नहीं भैया वो स्टेटमेंट नहीं रहते, मतलब कहने से इंपेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं रहते, दीज आर नॉट अ स्टेटमेंट। ओके व्हाई टिकटॉक इज माय, ये भी स्टेटमेंट नहीं है लिखा है, चलो इधर लिखा है, ये स्टेटमेंट होते हैं भैया, ये स्टेटमेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट नहीं होते, ये भी स्टेटमेंट नहीं होते। एग्जांपल और एक देखते हैं, ओके ओपन दैट विंडो, ओपन द विंडो, मैं इसे क्या कर रहा हूं ऑर्डर दे रहा हूं, चल ओपन कर भाई तू उसे ओपन कर, तो ऑर्डर है इसका ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा, उसका ट्रुथ वैल्यू तू डिफाइन नहीं कर पाएगा, यू कांट डिफाइन द ट्रुथ वैल्यू, मतलब क्या रहेगा नॉट स्टेटमेंट नहीं रहेगा, स्टेटमेंट नहीं रहेगा मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। मान लो तो हमारा संदीप भैया पबजी बहुत खेलता है, पबजी तो बोल रहा है आपको कि डोंट रश यू विल डेड, मैं तो तुझे क्या कर रहा है सजेशन दे रहा है रश मत कर भाई तू मर जाएगा, मतलब कहने से डोंट रश, यू विल बी डेड, मतलब भाई वो क्या रहा है वो तेरे को सजेशन दे रहा है, मतलब जिधर भी सजेशन आता है एडवाइस आता है रिक्वेस्ट आता है वो चीजें क्या रहती है इंपेरेटिव सेंटेंस रहते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंस कभी स्टेटमेंट नहीं होते क्योंकि हम लोग इन चीज का यू कांट फाइंड ट्रूथ वैल्यू, भैया तू इसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं निकाल सकता, समझा पक्का? ओके एग्जांपल के साथ और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ओके डोंट, हां वो तो घर में बहुत होता है ये वाला सेंटेंस तो बहुत कर, डोंट एवर टच माय फोन, भाई ये क्या कर रहा है सामने वाले को वार्निंग दे रहा है मेरे फोन को टच मत कर, वार्निंग है मतलब क्या इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव मतलब तो स्टेटमेंट नहीं रहेगा क्योंकि इसकी ट्रुथ वैल्यू तो निकल नहीं सकता ना कि सच है कि झूठ है। ओके ओके गाइस सो समझा सब लोग को इंपेरेटिव सेंटेंस क्या रहता है, मतलब जिसमें भी अगर वो क्वेश्चन पढ़ जाओ सेंटेंस पढ़ के आपको लगता है कि इट्स एन एडवाइस इट्स अ सजेशन इट्स एन ऑर्डर इट्स एन विश इट्स एन वार्निंग, तो भाई समझ जा वो स्टेटमेंट नहीं होंगे, अगर स्टेटमेंट नहीं रहेंगे तो उनकी ट्रुथ वैल्यू नहीं निकाल सकता, ट्रू या फॉल्स नहीं निकाल सकता क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के ही ट्रू फॉल्स निकलते हैं। गाइस लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी, बाद में मत करो एक्सक्लेमेटरी की, गाइस एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस बताओ सब लोग क्या रहेंगे, कोई भी बोलो ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, भाई मैं क्या बोल रहा हूं ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, भाई इसमें क्या हो रहा है तू तेरे इमोशंस को बता रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होते हैं इमोशंस होते हैं, ये इमोशंस होते हैं तो उनका ट्रुथ वैल्यू कभी निकल पाएगा क्या भैया, नहीं निकल पाएगा, मतलब स्टेटमेंट नहीं रहेंगे क्योंकि ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। और क्या बताओ, अच्छा एग्जांपल बताओ,
फैंटास्टिक लेट्स प्ले द गेम ओके मतलब अभी क्या होगा इमोशन बता रहा हूं मैं यहां पे मतलब जिसका भी इमोशंस आते दिस ऑल आर एक्सपेरिमेंट रीजन हम लोग नॉर्मली ये अगर वो क्वेश्चन फुल स्टॉप से एंड हो जाए क्वेश्चन मार्क से एंड होता है तो हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क देते हैं समझ में आ रहे गाइस और कोई एग्जांपल बताना चाहिए एक्सक्लेमेटरी के बार-बार के लिख पाओगे एक्सक्लेमेटरी के बाद में मत करो तुम लोग तो बार-बार के लिख पाओगे ओके गाइस ये चारों समझे फिर से एक बार इधर आओ इन चार के बारे में एक बार टचअप कर लेते हैं चार टाइप के सेंटेंसेस होते हैं कितने टाइप के चार टाइप के कौन से हैं डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस होते हैं दूसरा इंटरोगेटिव होते हैं तीसरा इंपेरेटिव एंड चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डिक्लेरेटिव एसरेटिव ऐसे सेंटेंस रहते हैं जिनका स्टेटमेंट बोला जा सकता है जिनका ट्रूथ वैल्यू निकलता है क्योंकि वो सेंटेंस एक तो सच हो सकता है नहीं तो झूठ हो सकता है अच्छा दोनों नहीं होंगे ये बहुत बात बहुत जरूरी है यहाँ पे अगर पर्टिकुलर सेंटेंस के शायद मेरे नजर में वो ट्रू शायद किसी और के नजर रिस्पेक्ट से वो उस सेंटेंस का मतलब फॉल्स हो सकता है तो जिस सेंटेंस के दो आंसर हो सकते हैं ट्रू या फॉल्स उसे हम लोग ऐसे डिक्लेरेटिव या एसरेटिव नहीं बोल सकते उनका कभी भी आप लोग डिक्लेरेटिव एसरेटिव का एक फिक्स आंसर होता है आइदर इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स समझा इट ऑलवेज टेल्स अस समथिंग एग्जांपल तो सब लोग को पता है और डिक्लेरेटिव एसरेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टेटमेंट बोलते हैं बाकी तीन स्टेटमेंट नहीं है और लास्ट वाला जो है ओपन सेंटेंस वो भी स्टेटमेंट नहीं है इसी में एक ही रहता है बनता यही सेंटेंस ए स्टेटमेंट रहते बाकी तीनों सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं है इंटरोगेटिव मतलब क्या है क्वेश्चन पूछा रहता है इंपेरेटिव मतलब क्या है जिसमें एडवाइस होता है सजेशंस होते हैं ऑर्डर वगैरह होते हैं उसे हम लोग इंपेरेटिव बोलते हैं एंड द लास्ट वन इज गाइस एक्सक्लेमेटिव एक्सक्लेमेटिव तो सबको पता है गाइस समझाइए सेंटेंसेस के बारे में फिफ्थ वाला कर लेते मतलब खत्म हो जाएगा ओके गाइस आज का फिफ्थ हमारा लास्ट वाला सेंटेंस के बारे में बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ओपन सेंटेंसेस ओपन सेंटेंस क्या होता है भैया ओपन ओपन सेंटेंस एग्जांपल से बता दो ओपन सेंटेंस क्या होते हैं गाइस ऐसे सेंटेंस जिसकी ट्रूथ वैल्यू ये पर्सन टू पर्सन वेरी होते जाएगा मतलब मेरे हिसाब से वो पर्टिकुलर सेंटेंस शायद ट्रू रहेगा लेकिन अगर मैं किसी और को पूछूं तो शायद उसके लिए वो सेंटेंस क्या रहेगा फॉल्स रहेगा मतलब पर्सन टू पर्सन जिस सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू बदलते रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं ओपन सेंटेंस मतलब उसे हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वो सच है या झूठ है ओके गाइस अल्टीमेटली एक फिक्स वैल्यू नहीं डिफाइन करेगा मतलब एग्जांपल से अगर मैं बात करूं इधर लिख देता हूं यू ओपन सेंटेंस मतलब क्या ट्रूथ वैल्यू वैरीज पर्सन टू पर्सन एग्जांपल देख लेते हैं इसके ओके अगर मैं बोलता हूं संदीप के बारे में आ जाओ संदीप भी हमारा फेवरेट है यहां पे संदीप इज अ ऑनेस्ट बॉय संदीप कौन है भाई ऑनेस्ट बॉय अभी ये सेंटेंस पढ़ के तो समझ में आ रहा संदीप इज ऑनेस्ट बॉय अभी मैं अगर मेरे रिस्पेक्ट से बोलूंगा तो भाई संदीप सच में ऑनेस्ट बॉय मतलब मेरे लिए ये सेंटेंस हो क्या रहेगा होगा क्या ये मेरा स्टेटमेंट मिलेगा क्योंकि मुझे पता है ऑनेस्ट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू निकल पाओ इसकी वैल्यू ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगी लेकिन वही अगर मैं मंदिर को पूछू तो चल संदीप इधर ऑनेस्ट है मेरे को पता है कौन से खेत की मूली है तो संदीप शायद ऑनेस्ट नहीं होगा भैया तो मेरे लिए इस सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है लेकिन वही मेरे मंदिर के लिए क्या है इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है मतलब क्या मैं बोल सकता हूं पर्सन टू पर्सन उसकी ट्रूथ वैल्यू बदल रही है मतलब ऐसे सेंटेंस जिनकी ट्रूथ वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं ओपन सेंटेंस और ओपन सेंटेंस कभी स्टेटमेंट नहीं होते लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट एक ही होता है गरीब भाई ओके समझा और एग्जांपल के बाद एग्जांपल देखो ओके सिद्धि सिद्धि इज वेरी सिद्धि इज अ बेस्ट सिंगर मैं अभी तो शागर मैं पूछू सिद्धि के बारे में तो शायद मेरे लिए वो बेस्ट सिंगर रहेगी लेकिन उसके घर पे उसके मम्मी को पूछो और पापा को पूछो तो शायद उनके लिए लग रहा है पता है यार वो रेगुलर है उसका आवाज इतना अच्छा नहीं है तो मेरे लिए उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है लेकिन उसके घर वालों के लिए उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी फॉल्स रहेगी मतलब क्या पर्सन टू पर्सन उसकी ट्रूथ वैल्यू बदल रही है मतलब ये क्या रहेगा ओपन सेंटेंस रहेगा ओपन सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट नहीं रहते समझा गाइस और एग्जांपल बोलो प्रबंध भाई ओके प्रबंध इज अ नॉटी बॉय अभी मेरे 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 रिस्पेक्ट से अगर मैं सेंटेंस के बारे में सोचूं तब प्रबंध भाई नॉटी बॉय लेकिन अगर मैं ये सच्ची सर के रिस्पेक्ट से देखूंगा तो प्रबंध भाई नॉटी बॉय नहीं है मतलब फिर से क्या हो रहा है सेंटेंस पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है सो मतलब ये क्या रहेगा ओपन सेंटेंस तो फिर से एक बार देखते ओपन सेंटेंस ऐसे सेंटेंस रहते हैं जो पर्सन टू पर्सन उनकी ट्रूथ वैल्यू वेरी होती है गाइस और ये कभी स्टेटमेंट नहीं होते समझा गाइस मतलब हमारे पांच टाइप के सेंटेंस
सेंटेंसेस रहते हैं उसमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रहता है, वो कौन से होते हैं? डिक्लेरेटिव या असर्टिव। बाकी इंपेरेटिव बोलो, इंट्रोगेटिव बोलो, एक्सक्लेमेटरी बोलो, ओपन सेंटेंस बोलो, ये कभी स्टेटमेंट नहीं होते। ओपन सेंटेंस को पढ़ने के बाद सोचने का, ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें पर्सन टू पर्सन आंसर वैलिड होता है। समझे गाइस? हम लोग को इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके ना हम लोग आगे के हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। काफी आसान है, मजा आ जाएगा।